हेलो फ्रेंड्स, तो हम आए हैं रेवान के फर्स्ट बर्थडे में, जो कि हमारे फ्रेंड का बेटा है। तो जल्दी से हो जाते हैं तैयार, चलो रेडी होकर हम लोग निकलते हैं बाहर। और फाइनली हम हो गए रेडी। वीडियो एडिट करना कितना इजी होता है, और हमें पहुंचने में लग गए 2-3 आवर्स। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हर्ब्स एंड स्पाइस, जो कि है वाइट फील्ड में, और बहुत बारिश हो रही है। और हमें पता लगा जाकर कि हम लोग पहुँच गए हैं सबसे पहले। अब हम सबसे पहले पहुंच ही गए हैं, तो चलिए होटल की थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ का एम्बियंस बहुत सुंदर है, पर चलते चलते हमारा नोरेज गिर गया। ओह नो, ये बच्चे ना कितने भी बड़े हो जाए, इनको ना गिरना ही होता है कहीं ना कहीं से जाकर। इन लोगों का बेस्ट पार्ट होता है, गिर जाओ। तो हम लोग सर्च कर रहे थे, और हमें बोले वो कि जाइए ऊपर, जाइए जाकर अपनी बर्थडे पार्टी अटेंड कीजिए। और यहाँ का जो इंटीरियर है बहुत अच्छा है, आप भी आ सकते हो, फूड भी अमेजिंग है। तो जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें मिला रेवान फर्स्ट बर्थडे, और जिसकी पार्टी थीम थी डाइनो पार्टी थीम, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। चलो आगे का भी देख लेते हैं। और हम इतनी जल्दी पहुँच गए थे, तो यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही थी, और ये बारिश हो रही है, बहुत प्यारी हवा चल रही है। ओ माय गॉड, अगर किसी को बहुत गर्मी लग रही है तो बैंगलोर आ जाओ, आपको मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ का मौसम तो जन्नत जैसा रहता है। यस, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं ये भैया क्या कर रहे हैं, और इनकी थोड़ी सी हेल्प हमारा नॉलेज कराना चाहता है। लेकिन देखे पहले कि फूड में क्या है, और हमने वहाँ जाके पूछा कुछ है क्या, वो बोले अभी पार्टी स्टार्ट नहीं हुई है, जब स्टार्ट हो जाएगी आपको तभी मिलेगा। हमने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चल के हम बाकी की वीडियो बनाते हैं। देखो हमें क्या मिला, पापड़ी चाट एंड ग्रीन सैलेड। वैसे पापड़ी चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, सबसे ज़्यादा वही खाई है। तो यहाँ पे ये सेटिंग कर रहे हैं, और हमारा नोरेस देखो कितने प्यार से बैठकर देख रहा है, इतना भी प्यार से बैठकर नहीं देखा उसने। फिर वो उठ कर गया और करनी स्टार्ट कर दी बदमाशी, बलून उठाकर खेलना स्टार्ट कर दिया, और हमने भी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाली खाली रेस्ट्रो था तो मज़े कर रहे थे हम लोग। फिर वो डेकोरेशन की साइड जा रहा था, और बाबा डर लग रहा था कहीं ख़राब ना कर दे, यार पार्टी स्टार्ट होने वाली है और छोटे से बेबी की है, तो थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। लेकिन हमने भी वहाँ पे बहुत मस्ती की है, सब कर देगा काम। देखो अंकल क्या कर रहे, देखो अंकल क्या कर रहे, लो अंकल तुम्हें सिखा रहे बलून कैसे उड़ाना। बलून फुलाने आए थे। पार्टी में नोरिस के पापा के साथ उनकी फ्रेंड की फ़ोटोग्राफ, जो कि मैंने साइड से ले ली थी, और ये बेबी को हमने गिफ्ट दिया है। हमने गो कलर सी कैरी बैग यूज़ की है, क्योंकि हमें कोई कैरी बैग नहीं मिल रही थी, तो उसको अवॉइड कर दो प्लीज़। और ये क्यूट सा बेबी कितना प्यारा है ना, चलो स्टार्ट होती है इसकी बर्थडे पार्टी। यस, उधर पे बच्चों की फाइट हो रही थी और केक हो रहा था, थोड़ा सा अनसेफ ऐसा लग रहा था, अब भी गिरा। इतना फनी होता है ना बच्चों के साथ, तो ना मतलब मज़ा ही आ जाता है चीज़ों में। और हमारा नोरेज भी कम नहीं है, उसको भी डायनासोर खाना था, तो उसने भी बीच में ले ही लिया। केक कट करने का तो किसी को इंतज़ार ही नहीं हो रहा था, पर हाँ बहुत मज़ा आया। और अब चलो टेस्टी टेस्टी फूड खा लेते हैं। ये रहा यमी डिलीशियस फूड, जो मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बना ली, क्योंकि अभी तक वहाँ ज़्यादा लोग खाने के लिए नहीं आए थे। और हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन चिकन, रोटी, नूडल्स, फ्राइड राइस और हलवा एंड और क्या क्या खाया था, सूप खाया, सूप पिया था, सॉरी। और बहुत अच्छा फूड था गाइस, तो हम लोगों का तो अमेजिंग टाइम रहा यहाँ पर आकर। और ये बर्थडे पार्टी भी बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। लास्ट में खा लेते हैं सौंफ, और ये छोटा सा बर्थडे बॉय बहुत टायर्ड है। गुड नाइट बेबी, हैप्पी बर्थडे अगेन।